सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियो दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे पास एक और स्पेशल बाइक है, ड्यूक 250 BS4, जो हमारे गांव के भाई की है, और मैं देख रहा हूँ अगर मेरे को सही बजट के अंदर मिल जाती है तो परचेस कर लेंगे इसको भी, क्योंकि वैसे भी न्यू बाइक तो चाहिए ही। तो यूट्यूब के लिए तो मैंने देखी है BS4 बाइक, मेरे को थोड़ी सही लगती है, और ऑलरेडी इसको थोड़ा भगा कर देखेंगे और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका टेस्ट करेंगे एक बार कि ऑलरेडी बाइक लुक में कैसी लगती है। लुक में तो ये 1-on-1 है। तो गाइज एक बार इसका माइलेज वगैरह सब टेस्ट करना पड़ेगा। तो गाइज पावर टेस्ट कर रहा हूँ एक बार। तो गाइज ऐसा कुछ है, मतलब पावर तो 100 टोटल हो रही है, थोड़ा मतलब BS4 बाइक है तो थोड़ा बहुत तो पावर मेरे को लैग लग रहा है, और बाइक का हैंडल में भी थोड़ा बहुत मेरे को दिक्कत लग रहा है। बजट पे डिपेंड करता है, अगर 1 lakh का अराउंड आ जाती है बाइक तो बेस्ट है। थोड़ा एक्सेलरेट करता हूँ मैं इसको। तो गाइज एक बार बिली ट्राई करूंगा इस पे। ऐसी कुछ दिख रही है KTM की ड्यूक 250 BS4, और जस्ट है ये अभी 2017 मॉडल है, और ये देख सकते हैं आप इसकी लाइट्स काफ़ी प्यारी लगती है, और VIP मतलब नंबर प्लेट भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है, और बाइक का पावर लेग मुझे लग रहा है काफ़ी, और स्लीपर क्लच नहीं है इसके अंदर, ABS भी नहीं है, तो बाइक तो काफ़ी पुरानी है, अगर स्टंट वगैरह के लिए मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ ये बाइक, अगर सही बजट मेरे को मिल जाए तो। आप एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि ये बाइक आपको, मुझे मतलब आपके लिए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ब्लॉग में, देखते हैं बताइए आपकी मतलब आपको ब्लॉग में ये बाइक देखनी है देखनी है, और मेरा बजट तो है, अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ ये बाइक। मोड्स वगैरह देखे तो आपको ज़्यादा इसमें मोड्स वगैरह देखने नहीं मिलते, 47,000 अराउंड ये बाइक चल चुकी है, मतलब अगर इसको मैं लेता भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1.5 साल या 2 साल इसको चला सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं वापर सकता हूँ। अगर 1 lakh अराउंड ये बाइक मेरे को मिल जाती है तो मैं देखूँगा, और ये देख सकते हैं कुछ ऐसी बाइक है जो कि अभी न्यू जो ड्यूक 250 आ रही है अपनी, तो उससे तो काफ़ी बेटर बाइक है ये, मतलब ऐसे देखा अगर लुक से मामले, लुक्स मेरे को इसके काफ़ी सही लगते हैं, लेकिन पावर मुझे इसमें लैग लग रहा है, पावर मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि बाइक की व्हील भी पॉप अप नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत आ रहा है मुझे, बाकी तो ओवरऑल बाइक का लुक के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में तो सही लग रही है। देखूंगा अगर एक बार थोड़ी और राइड करता हूँ इस बाइक को और कैसी लगती है कैसी नहीं। टायर नया डला हुआ है इसमें मैक्सिलर का, और आगे भी मैक्सिलर का ही टायर है इसके अंदर, और रेडिएटर वेडिएटर सब सही चल रहा है, कि चेसी स्लीपर क्लच नहीं है, क्लच में दिक्कत आ रही है, मतलब क्लच प्लेटें या क्लच वायर में दिक्कत है, क्लच प्लेटें गई है लगा। बाकी वाइज ओवरऑल बाइक कुछ ऐसी, एक बार मस्त है, बढ़िया है, उठा भी ले लो। बे 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 बे,
गाइस स्टार्ट होने में दिक्कत ले रही है बाइक, और अभी मैंने थोड़ी देर स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं कि इतनी मतलब परफॉर्मेंस में मुझे डाउन लग रही है बाइक। तो गाइस ऐसी कुछ बाइक है, और देखूंगा अगर परचेस करूंगा तो आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए बाइक मुझे परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो मिलता हूँ आपको अनदर फ्रेश वीडियो में। बाय।